सीधे लिए चलते हैं मुंबई, जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। यूपी में फिल्म सिटी को लाने की कवायद तेज हो गई है, उसी के मद्देनजर आज योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। आईआईटी कानपुर है, आईआईटी बीएचयू है, और भी हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस पहले से ही हमारे पास वहां पे मौजूद हैं। एमएसएमई सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो देश का सबसे बड़ा एमएसएमई के जो यूनिट्स हैं वो यूपी के पास मौजूद हैं, और कोरोना कालखंड के दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 10.5 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट को बैंकों के साथ सीधे जोड़ने में सफलता प्राप्त की, रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाया, एक्सप्रेसवेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के अंदर क्रिएट हुआ है या हो रहा है ये उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वाभाविक रूप से जो व्यापक संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं उन सब में अभिवृद्धि करने और उसके माध्यम से प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक निवेश करने और प्रदेश के 24 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक खुशहाली लाने के साथ ही उत्तर प्रदेश देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में भी उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से योगदान दे सके, इस दिशा में प्रदेश सरकार के द्वारा ये सभी प्रयास प्रारंभ किए जा रहे हैं। हमें जनता की बेहतर सुविधा भी देनी है, हमें उसे COVID-19 जैसे बीमारियों से बचाने में भी योगदान देना है, हमें जनता के मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के कार्यक्रम के लिए फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम लोग जहां पे जेवर में हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वहां पे फिल्म सिटी ही नहीं बन रही है, वहां पे एक फिनटेक सिटी भी बन रही है और वहां पे हम एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी काफी निर्माण करने जा रहे हैं, वर्ल्ड क्लास सिटी होंगी, और सबके निर्माण की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश सरकार ने बढ़ाया है। स्वाभाविक रूप से इसमें देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर लोगों की विजिट हो रही है, कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक सुरक्षित स्थिति में है, कोरोना की पॉजिटिविटी या फिर कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों को सिफार को भी पूरी तरह नियंत्रण करने में प्रदेश को सफलता प्राप्त हुई, हर एक व्यक्ति की निःशुल्क जांच, हर एक व्यक्ति के लिए भोजन की व्यवस्था, हर एक व्यक्ति के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा, कोरोना से बचाव के पूरे उपाय और इतनी बड़ी आबादी को सुरक्षित करने के साथ ही अब अधिक से अधिक निवेश हो और निवेश के माध्यम से भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की बनाने के लिए हम इस अभियान को आगे बढ़ा सकें, इससे ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आप सब कोरोना कालखंड में भी हमारे इस कार्यक्रम के बड़े में बड़े उत्सुक बने रहे और आज इस मेरी इस डीसी में भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुझे संक्षेप में आपको ये जानकारी देनी थी, इसलिए मैं आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद देता। कोई किसी चीज को लेके नहीं जाता है, ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई पर्स हो कोई निकाल करके लेके जाता है, ये तो एक
खुली प्रतिस्पर्धा है, जो सुरक्षा का माहौल दे सके, बेहतर सुविधा दे सके। सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक सुरक्षा, और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उस प्रकार का वातावरण जिस वातावरण में हर व्यक्ति कार्य कर सके, कोई भेदभाव किसी के साथ न हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए और आज की आवश्यकता के लिए उस प्रकार का माहौल देने की आवश्यकता है। मुंबई फिल्म सिटी मुंबई में काम करेगी, उत्तर प्रदेश के अंदर नए माहौल के अनुरूप, नई आवश्यकता के अनुरूप नई फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई हो रही है। स्वाभाविक रूप से इस फील्ड के जो भी विशेषज्ञ हैं, जो दिग्गज हैं, उनके अनुभव का लाभ लेना, उनके अनुभव के माध्यम से, उनके सुझावों के माध्यम से उस प्रकार की सुविधा देना, और उस सुविधा के माध्यम से किस प्रकार का मॉडल हम वहां पे खड़ा करें कि हम उसको केवल एक क्षेत्र विशेष के लिए ना बना करके एक वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी के रूप में डेवलप कर सकें। इस दृष्टि से फिल्म जगत से जुड़ी हुई विभूतियों के साथ मैंने बातचीत की है, उस संवाद को आगे बढ़ाया है। हम लोग किसी के निवेश को छिटक रहे हैं, न किसी के विकास को बाधित कर रहे हैं। हम लोग विशुद्ध रूप से, हम सब का उद्देश्य एक ही है, भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी के रूप में डेवलप हो। प्रधानमंत्री मोदी जी के उस प्रयास में हर राज्य अपना अपना योगदान दे रहा है, उत्तर प्रदेश अपना योगदान उस रूप में देने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है, और उसी इकोनॉमी के जिससे निवेशकों को आकर्षित करने, ये कोई पिक एंड चूज नहीं है। सरकार ने अपने सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई है, उन पॉलिसीज को ध्यान में रखकर के कोई निवेशक निवेश करता है। इसके लिए लैंड बैंक चाहिए, इसके लिए पॉलिसी चाहिए, इसके लिए सुरक्षा का माहौल चाहिए, इसके लिए सरकार की नियत भी साफ हो, ये भी बहुत इस पर निर्भर करता है, क्योंकि विश्वास महत्वपूर्ण होता है, सरकार की स्टेबिलिटी भी महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसमें निवेश की संभावनाएं आगे बढ़ती हैं। इन सभी चीजों को लेकर के सरकार अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, और इसलिए मैं आया था तो मैंने कहा म्यूनिसिपल बॉन्ड के हमारे सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे। योगी जी, मैं दिनेश मौर्य, एक सवाल यहाँ से, योगी जी मैं दिनेश मौर्य बोल रहा हूँ इंडिया टीवी से। योगी जी दो सवाल है। संजय राउत ने आज कहा है कि आप भले ही आए, लेकिन इसके पहले उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की क्या हालत है, इस बारे में जरूर विचार करें, और 100 वर्षों का इतिहास मुंबई की फिल्म सिटी का है, ऐसे कोई इसे छीन कर नहीं ले जा सकता। इसी चीज को लेने कहाँ आए भाई, हम लोग तो नया बना रहे हैं, इसमें आप कितने चिंतित क्यों हो रहे हैं। हम लोग तो नई चीज दे रहे हैं लोगों को, और वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं हर व्यक्ति को। इसलिए हर व्यक्ति को बड़ा बनना पड़ेगा, बड़ी सोच पैदा करनी पड़ेगी, और बेहतर सुविधाएं देनी पड़ेगी, जो दे पाएगा वो। तो अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो साफ कह रहे हैं कि क्योंकि जब से वो मुंबई पहुंचे हैं खलबलाहट तेज हो गई है मुंबई सरकार और उनके तमाम नेताओं के बीच। संजय राउत ने कहा है कि ऐसे कैसे लेकर के चले जाएंगे फिल्म सिटी और मुंबई की जो फिल्मी दुनिया है, बॉलीवुड है, तो इस पे योगी आदित्यनाथ साफ करते हुए कि हम किसी से कोई चीज छीन नहीं रहे, हम तो नया बना रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए एनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े,
खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपये की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपको एक बार फिर से सीधे लिए चलते हैं मुंबई, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं फिल्म सिटी को लेके, आपको सुनवाते हैं। चाहे सीमेंट से, इन सभी अन्य जो इस प्रकार के स्टेक होल्डर्स थे, इन सभी लोगों के साथ में हमारी यहाँ पे बैठक थी और उनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ है, उनके जो सुझाव थे उन पर भी चर्चाएं आगे बढ़ी। फिल्म सिटी के लिए भी क्या आवश्यकताएं हैं, लोगों की आज की जरूरतें क्या हैं, इन जरूरतों को आगे बढ़ाने के दिशा में भी हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया है। ये सारी चीजें एक साथ आगे बढ़ रही हैं और हमारे लिए देश के अंदर सबसे अधिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश के अंदर है। 700 के आसपास हमारे पास अर्बन बॉडीज है। लगभग 8 करोड़ की आबादी हमारी अर्बन बॉडीज में निवास करती है। उनकी बेहतर सुविधाएं और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो प्रयास शासन स्तर पर होने चाहिए, उसमें उत्तर भारत का पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मकनों बनाया है जिसने बॉन्ड जारी किए हैं। तो ये एक साथ ही प्रक्रिया, क्योंकि मकनों के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद फिर हम अन्य म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे न केवल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कार्य पद्धति में शुचिता और पारदर्शिता दिखे, बल्कि वित्तीय अनुशासन का एक भाव भी हर कॉर्पोरेशन के अंदर पैदा हो, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ सके। ये इसके पीछे की मंशा है, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के दिशा में कि हम बेहतर सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के कार्य। धन्यवाद। थैंक यू। और अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो मुंबई पहुंचे हुए हैं और उन्होंने साफ किया है कि अब मुंबई के बाद उत्तर प्रदेश में वो फिल्म सिटी बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। जहां लगातार जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद तमाम बातें उठी थी कि मुंबई इतना सुरक्षित नहीं है और तमाम मुद्दे और भी उठे हैं जिसको लेकर के बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के प्रेशर में है, ये बातें भी निकल करके सामने। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि अंडरवर्ल्ड के प्रेशर की वजह से यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी का विरोध किया जा रहा है। महाराष्ट्र से बॉलीवुड को छीनने का जो आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है। वहीं संजय राउत भी सामने आया, उन्होंने भी बोला कि इतना आसान नहीं है मुंबई से महाराष्ट्र से बॉलीवुड को लेकर के जाना। ये तमाम बातें आज हुई है। वहीं शिवसेना सांसद, आपको बता दें, संजय राउत का कहना है कि सीएम योगी मुंबई आए हैं, हमारे साधु महाराज हैं, योगी हैं और एक 5-स्टार होटल में एक बड़े कमरे में वो रुके और अक्षय कुमार से उनकी भेंट भी हुई है। ये तमाम बातें आपको बता दें कही गई हैं। और अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। नए कृषि कानून के खिलाफ राजधानी की सीमाओं पर चल रहे किसानों का आंदोलन और तेज हो गया है। केंद्र सरकार के साथ मंगलवार को वार्ता विफल होने के बाद नए कानून का विरोध कर रहे किसान संगठनों का कहना है कि उनका आंदोलन और तेज होगा। आंदोलन को और तेज करने के लिए बुधवार को पंजाब से और अधिक किसानों का जत्था दिल्ली आएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी किसान आंदोलन में शामिल हो सकते हैं।
को वहीं बता दें हम कि सरकार से वार्ता विफल होने के बाद ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के प्रवक्ता आशुतोष ने कहा है कि जब मांगे नहीं मान ली जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि 3 दिसंबर को भी सरकार के साथ वार्ता की जाएगी और उम्मीद करते हैं कि उसमें सरकार किसानों की मांगों को पूरा करते हुए दिखाई देगी, कानून को सरकार वापस लेगी। वहीं आशुतोष ने कहा है कि तब तक किसानों का आंदोलन ना सिर्फ जारी रहेगा बल्कि तेज भी होगा। तो ये तमाम बातें आपको बता दें और इसी खबर पर आपको बता दें कि हमारे संवाददाता विनीत कपूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, आज चंडीगढ़ में भी जिस तरीके से यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है उनके ऊपर भी पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए उनके ऊपर वाटर कैनन से छिड़काव किया है, तमाम मुश्किलें उनको भी झेलने पड़ी हैं। विनीत, बिल्कुल देखिए स्वाति, अगर बात करें तो सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर है यूथ कांग्रेस के जो वर्कर थे, जो कार्यकर्ता थे, जो इस प्रदर्शन का हिस्सा बनते हुए नजर आए थे चंडीगढ़ में। जिस तरह से इनके ऊपर लाठियां भांजी गई, चंडीगढ़ में जिस तरह से इनके ऊपर पानी की बौछारें की गई और कुछ यूथ के जो लीडर हैं उनको डिटेन तक पुलिस ने कर लिया। ये तस्वीरें हैं इनकी, अभी भी पानी में पूरी तरह से भीगे हुए हैं, कपड़े इनके पूरी तरह से पानी में भीगे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं सीधे तौर पर केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों को। और आज किसानों के समर्थन में चंडीगढ़ में लामबंद हुए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर का इन्होंने घेराव करना था कि मुख्यमंत्री की तरफ से जिस तरह से हरियाणा में किसानों के ऊपर कहीं ना कहीं लाठियां भांजी गई, पानी की बौछारें की गई, इसके अलावा आंसू गैस के गोले दागे गए, उसको लेकर मुख्यमंत्री किसानों से माफी मांगे। ये बात कर रहे थे, कुछ लोग भी हमारे साथ बातचीत कर देते हैं। सर, सबसे पहले आज की इस कार्रवाई को, पुलिस की कार्रवाई को और उस दिन जो पुलिस की कार्रवाई थी उसको किस तरह से देखते हैं? लगता है कि आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस को आगे किया जा रहा है, चाहे राज्य सरकार की बात करें या फिर चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें? जो भी कार्रवाई है पूरी तरह निंदनीय है। हमारा संवैधानिक हक है कि हम शांति से कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं। हर नागरिक का हक है कि वो प्रोटेस्ट कर सकता है, अपनी आवाज़ उठा सकता है, इसीलिए तो ये इसको डेमोक्रेसी लोकतंत्र बोला जाता है। पर जो बीजेपी सरकार है, पहले इन्होंने लोगों को धर्म के नाम पर बांटा, जो इनकी बातों में नहीं आया उसको ये वाला अपने प्रेशर से, सरकारी तंत्र से दबा रहे हैं। हमारा हक है कि हम दिल्ली जाकर अपनी बात कह सकते हैं। कानून किसानों के लिए बनाया, जब ये किसान को पसंद नहीं तो मोदी साहब कैसे कह सकते हैं ये कानून अच्छा है? हमें मालूम है खेती कैसे होती है, उस प्रोडक्शन कैसे होती है, कितना उसमें प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, और वो हमें समझा रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि जब हम अपनी बात रख रहे हैं, अपना संवैधानिक हक रख रहे हैं कि हम शांति प्रिय लोग जब जा रहे हैं अपनी बात करने, तो वो कभी सड़क में गड्ढे खोद देते हैं, कभी बैरियर लगा देते हैं, कभी फोर्स लगा देते हैं, कभी जानलेवा तार लगा देते हैं। तो आज क्या हुआ, जहाँ पर पानी की बौछारें डाली गई, लाठीचार्ज हुआ, हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया, कई साथी जख्मी भी हो गए। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि हम हैं कौन, हम नागरिक हैं इस देश के, क्या हमें हक नहीं है? अगर कोई मुस्लिम भाई यहाँ पे प्रोटेस्ट करता है तो उसको बोल दिया जाता है आप पाकिस्तान चले जाओ, आप पाकिस्तानी हैं। अगर पंजाब के लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उसको बोल दिया जाता है, इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप खालिस्तानी हैं। भाई, हम इस देश के नागरिक हैं, हमें हक है। जितना हक आपको है, आप सत्ता में बैठे हैं, जितना हक आपको है उतना हक ही हमें है कि हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अगर आप हमारी आवाज़ नहीं सुनना चाहते तो ये आपकी गलती है, हमारी नहीं। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर बड़ी बात की है कि जिन किसानों के लिए आप कानून लेकर आ रहे हैं, अगर उन्हीं कानूनों को किसान जो है वो पसंद नहीं कर रहे, उन्हीं कानूनों पर किसानों की ये प्रतिक्रिया है कि ये जो कानून है ये खेती को खुशहाली की तरफ नहीं बल्कि बदहाली की तरफ लेकर जाएंगे, तो ऐसे कानून लागू करने का क्या मकसद है केंद्र की मोदी सरकार का? ये सवाल आज पूछते नजर आ रहे हैं। लेकिन लगातार बैठकों का दौर जारी है, कल की बैठक विफल रही, आगे भी कहा जा रहा है कि 3 तारीख को एक और, यानी कल फिर एक और बैठक होगी और उसमें अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। लगता है कि इस तरह की बैठकों का नतीजा निकलेगा या फिर केंद्र को पहले अपने रवैये में बदलाव करना पड़ेगा, उसके बाद वो किसानों के साथ बैठे ताकि इस समस्या का हल हो और जो किसान अपने खेत खलिहान छोड़कर, अपने घर बार छोड़कर आज बॉर्डर पर लगे हुए हैं, मोर्चे वहां पर उन्होंने खोले हुए हैं, उनको भी राहत मिलती नजर आए। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि बीजेपी अपनी आदत से मजबूर है, वो हमें इनविटेशन नहीं दे रही, वो बार बार हमें बुला के हमारी इंसल्ट कर रही है, किसान जथेबंदियों को बेइज्जत कर रही है, और वो ये शो करना चाहती है मीडिया के सामने, देश के सामने, कि हम तो इनसे बात करने के लिए तैयार है, पर ये नहीं मान रहे। हर बार वो बैठक बुलाती है पर कभी भी उन्होंने चर्चा नहीं की हम इसमें कोई कानून में कोई सुधाई करेंगे या इसको वापस लेंगे। वो अपना पक्ष आगे रखती है, किसानों का पक्ष नहीं सुनती। उनका एक ही मकसद है कि बार बार मीटिंग बुलाओ, बार बार इनकी एक इमेज क्रिएट कर दो किसानों की, कि ये अड़ियल स्वभाव के हैं, जे अड़े हुए हैं, जे बात नहीं मार रहे, हम बात करना चाहते हैं। अगर मोदी जी इसमें कुछ सुधार करना चाहते तो मन की बात में ना बोलते कि ये कानून बहुत अच्छे हैं। जब सारा देश
सारे देश के किसान सड़कों पर निकले हैं तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि ये कानून अच्छे हैं। जब लोग दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो दिल्ली सरकार उन्हीं कानूनों को लागू कर देती है, तो ये बीजेपी का अड़ियल रवैया है, वो एक मैसेज दे रहे हैं कि हम लोकतंत्र को नहीं मानते, हम लोगों को नहीं मानते, हमारा मन है, हमारा अड़ियल स्वभाव है, हम इसको करेंगे। अगर उन्होंने करना होता, अगर उन्होंने करना होता, उनको मालूम हुआ कि सारे देश का किसान आ रहा है तो किसानों के बीच बैठकर वो ये बात करते, किसानों के बीच में बैठ के बात करते, किसानों की बैठक में अपने रवैये को चेंज करके जाते, तभी समाधान जो है वो होता हुआ नजर आता। जी स्वाति जी विनीत, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम जितने भी यूथ कांग्रेस के लोगों से बात की, उन्होंने भी अपनी दिक्कत सामने रखी कि क्या कुछ परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।